हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट लेसन प्लान। आज हम पाठ्य योजना के बारे में बात करेंगे। हमारा टॉपिक है द रेनबो फेरी। देखिए, हम ये जानेंगे और पोइट्री। आज हम पोइट्री का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। पहले हम डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, फिर क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन, ये हमारे हम ये डाल लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। फिर हम लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्ट्स में 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू क्रिएट अ लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन द स्टूडेंट्स थ्रू द पोइट्री। सेकेंड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स एप्रिशिएट द ब्यूटी राइम एंड द स्टाइल ऑफ इंग्लिश पोइट्री। एंड थर्ड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंड द थॉट्स एंड इमेजिनेशन कंटेंट इन पोइट्री। फोर्थ पॉइंट टू डेवलप द एस्थेटिक सेंस ऑफ द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये तो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें भी 4 पॉइंट हैं। फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स गेन जनरल इंफॉर्मेशन एंड रेनबो। सेकंड, टू इनेबल स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रेनबो फेरी। थर्ड, टू देम आइडेंटिफाई द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द पोएम। फोर्थ, टू इनेबल देम अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ पोएम। अब है हमारी प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज, द स्टूडेंट रीड द पोएम। द स्टूडेंट्स हैव ऑल्सो लर्न द वर्ड मीनिंग रिलेट टू द पोएम। सेकेंड, द स्टूडेंट्स हैव जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द रेनबो। टीचिंग एड्स क्या क्या हैं? जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स, चार्ट नंबर फर्स्ट शोइंग अ पिक्चर ऑफ रेनबो फेरीज। अब देखिए, हम इसमें वही पढ़ेंगे, टीचिंग पॉइंट्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन, फॉर टीचर्स एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, मेथड, टीचिंग एड्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, इसमें जो हमारा फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, नॉलेज रिकॉल रिकॉग्नाइजेशन नेम, यानी ज्वाइनिंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स विद न्यू नॉलेज, द पब्लिक टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें जो छात्र अध्यापक हैं वो क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटीज में द स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर। स्टूडेंट क्या करते हैं, जो टीचर द्वारा क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, पूछे गए हैं, उनका वो आंसर देते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड हो जाता है। फिर इसमें इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है, जो कि बच्चों को नहीं आता है। तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ एम, लिसनिंग स्किल रिसीविंग, द कलर्स ऑफ रेनबो आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। टुडे वी विल शैल एंजॉय अ पोएम एंड नो मोर अबाउट रेनबो, दिस द रेनबो फेरीज। यानी जो फोर्थ क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, टेल द नेम कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो के कलर्स बताइए। बच्चों को नहीं पता, अब इसमें क्या है, टीचर एक्सप्लेन करेगा कि रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं। फिर उसके बाद जो पोएम है बुक में, वो पोएम टीचर पढ़ाता है। द स्टूडेंट शैल लिसन अटेंटिवली, यहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर है प्रेजेंटेशन, लिसनिंग स्किल रिसीविंग, द पोएम इज अबाउट रेनबो, द पोइट हैज हाउ इमेजिन द कलर एज फेरीज एंड द एज अ टीयर्स ऑफ क्लाउड्स। द स्टूडेंट शैल लिसन अटेंटिवली द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। बच्चे क्या सुन रहे हैं, पोएम का सेंट्रल आइडिया सुन रहे हैं। ब्लैकबोर्ड ट्रांसलेशन स्किल, अब है यहाँ पर मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, टू इनेबल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द पोएम, क्लैरिफाई द पपल टीचर विल टेल द स्टूडेंट द मीनिंग ऑफ डिफिकल्टीज वर्ड्स इन द पोएम एंड सिमल्टेनियसली राइट देयर ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब इसमें क्या होता है, वर्ड मीनिंग, जो पोएम में से वर्ड मीनिंग छांटे जाते हैं वो उनकी क्लैरिफाई करता है टीचर स्टूडेंट के सामने, और उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। द स्टूडेंट शैल आंसर केयरफुली, बच्चे क्या करते हैं, उसका जवाब केयरफुली देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फिर इसके वही पॉइंट्स हैं,
फर्स्ट मॉडल रेस्टेशन अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग स्किल्स रिसीविंग द फुलफिल टीचर विल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर इंटेंशन एंड मॉड्यूलेशन विद प्रॉपर अटेंशन इन राइम एंड राइम द स्टूडेंट शैल लिसन अटेंटली द रेसिटेशन विद बुक्स क्लोज्ड। टेक्स्ट बुक्स यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट बुक का यूज किया जाता है, यानी बुक का यूज किया जाता है। फिर सेकेंड मॉडल रेसिटेशन अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग स्किल रिसीविंग द पपिल टीचर विल रिसाइट द पोएम सेकेंड टाइम आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट टू देयर बुक्स द स्टूडेंट फॉलो इन देयर बुक्स। टेक्स्ट बुक रेसिटेशन यहाँ पर है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है बीच बीच में हु बम्प्ड ईच अदर, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पोएम पढ़ाते समय टीचर बच्चों से बीच बीच में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर लाउड रेसिटेशन रीडिंग स्किल रेसिटेशन एक्सटेंसिव रीडिंग रिस्पॉन्डिंग एज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी द पपिल टीचर विल आस्क अ फ्यू स्टूडेंट्स टू लाइडली द पोएम वन बाई वन, अब वो बच्चों से पढ़वाते हैं वन बाई वन पोएम को लाउडली द स्टूडेंट डिसाइड द पोएम एज इंस्ट्रक्टेड। टेक्स्ट बुक रेसिटेशन हु बिगेन टू क्राई, यहाँ पर भी उन्होंने क्वेश्चन पुटअप कह लिया। फिर है हमारा कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिफिकेशन रिस्पॉन्डिंग कॉम्प्रिहेंशन करेक्टराइजेशन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, जब पोएम हमारी कंप्लीट हो जाती है तो छात्र अध्यापक उसमें से क्वेश्चन पुटअप करता है और यहाँ पर बच्चे जवाब देते हैं हर क्वेश्चन के। और फिर क्या होता है इस पर ये ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता, इसको इवोल्यूशन किया जाता है, बच्चों से ही सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाता है बीच बीच में उनका मूल्यांकन करने के लिए। फिर है क्लैरिफिकेशन समराइजेशन कॉम्प्रिहेंशन वैल्यूइंग सिंथेसिस समराइज द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द इवोल्यूशन क्वेश्चंस द पपिल टीचर विल क्लियर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम दिस पोएम टेल्स अस वेरी न्यू मैसेज वी शुड हेल्प ईच अदर एनी प्रॉब्लम्स बिकॉज समटाइम्स वी हैव सॉल्यूशन ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। यहाँ पर जो है टीचर समराइज करता है पोएम का, द स्टूडेंट्स केयरफुली लिसन, वो सुनते हैं सेंट्रल आइडिया को और वो फिर ट्राई करते हैं ग्रुप द सेम। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट मेथड है। फिर है हमारा कोरल रेसिटेशन एप्लीकेशन इमिटेशन रेपिटेशन एज ए ग्रुप एक्टिविटी द पपिल टीचर शैल आंसर द स्टूडेंट क्वेश्चंस इफ एनी पपिल टीचर शैल इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स फॉर ओरल रेसिटेशन फर्स्ट द टीचर विल रिसाइट वन लाइन स्टूडेंट विल फॉलो द कोरल द स्टूडेंट शैल आस्क द टीचर टू क्वेरीज दे हैव टू क्लैरिफाई द स्टूडेंट डिसाइड द पोएम टू कोरस एज इंस्ट्रक्टेड। ये हमारा स्टेटमेंट मेथड है। फिर थर्ड मॉडल रेसिटेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू नॉलेज एप्रिशिएशन द पपिल टीचर विल रिसाइट द होल पोएम विद प्रॉपर स्ट्रेस एक्सप्रेशन, मतलब वो एक्सप्रेशन के साथ उस पोएम को रिसाइट करते हैं विद सोशल केयर ऑफ प्रोनंशिएशन टू लेट द पोएटिक एटमोसफियर प्रिवेल इन द क्लास द स्टूडेंट शैल लिसन, वो उसको सुनते हैं फिर ध्यानपूर्वक यहाँ पर किसके द्वारा रेसिटेशन बुक टेक्स्ट बुक। फिर है हमारा ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स टोल्ड बाय द टीचर विल कंप्राइज द ब्लैक बोर्ड वर्क द स्टूडेंट शैल बी इंस्ट्रक्टेड टू कॉपी द ब्लैक बोर्ड वर्क द स्टूडेंट शैल कॉपी द ब्लैक बोर्ड वर्क। बच्चे क्या करते हैं जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ होता है उसको वो बिल्कुल कॉपी करते हैं। फिर है सुपरविजन राइटिंग स्किल इवोल्यूशन राइट द स्टूडेंट नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट नोट डाउन करते हैं टीचर विल सुपरवाइज करता है सीटिंग पोस्चर्स हैंड राइटिंग्स एंड शैल चेक प्रीवियस डेज होमवर्क भी चेक करता है द स्टूडेंट शैल गेट देयर प्रीवियस डेज होमवर्क, वो प्रीवियस डे के होमवर्क भी बच्चे लिख करते हैं। फिर होमवर्क कंसोलिडेशन ऑफ न्यू नॉलेज यहाँ पर ये होमवर्क दिया जाता है ड्रॉ पिक्चर ऑफ रेनबो इन योर नोटबुक, बच्चों से कहा जाता है अपने नोटबुक में कोई भी पिक्चर ड्रॉ करके लाइए द स्टूडेंट नोट डाउन द होमवर्क, बच्चे नोट डाउन करते हैं होमवर्क। और यहाँ पर इस तरीके से हम ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, यानी एक टीचर ब्लैक बोर्ड का इस टाइप से एंट्री करके उसका टॉपिक लिख के और बच्चों से जो कुछ भी पूछता है या जो उसको ब्लैक बोर्ड पर यूज करके इस तरीके से वो ब्लैक बोर्ड का सही उपयोग कर सकता है।